ऐसा है, काशी देवों के देव महादेव, सृष्टि के रचनाकार, जब कुछ नहीं था तब भी वो थे, जब सब कुछ है तब भी वो है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो है, जिसका आदि और अंत नहीं। ऐसे महादेव की ये नगरी है, माँ गंगा की पावन गोद है। माँ गंगा धरती की पवित्रतम नदियों में से है, जो सबको सुख भी प्रदान करती है और पाप मुक्त भी करती है। उसकी नगरी में विशाल भारत संगठन ने अनेक प्रकल्प चलाए, उसमें से आज एक प्रकल्प चल रहा है, माँ की रसोई। यहाँ भारत से ही नहीं, विश्व भर से छात्र आते हैं, छात्रावासों में भी रहते हैं, प्राइवेट कॉलोनीज में भी कमरे लेकर रहते हैं। उनके लिए जो भी वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, पर बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको कोई बहुत बड़ी सुविधा और व्यवस्था नहीं है। उनमें से कुछ छात्रों ने इनको, विशाल भारत संगठन को अप्रोच किया और इन्होंने उनको प्रतिदिन रात्रि का गर्म भोजन, माँ के हाथों का बना हुआ भोजन, कहते हैं नारी यानी माँ भोजन सदा ईमान से बनाती है, शुद्ध भावनाओं से बनाती है, निर्मल प्रेम से बनाती है। उसके भोजन में जो कसूर निकाले वो आदमी आदमी नहीं होता, थोड़ा शैतान होता है। और इसलिए छात्रों को सस्ते में गरम, स्वादिष्ट और उत्तम भोजन प्राप्त हो, और इस कारण जो बेटियां, बहनें, माताएं इस भोजन को बनाएंगी, उनको भी एक थोड़ी सी प्रारंभिक के रूप में और आमदनी मिल जाए, बालक को माँ की ममता मिल जाए और नारी को उसका स्वावलंबन मिल जाए। ऐसे दो सुंदर चीज़ों की जोड़ से ये माँ की रसोई का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं बनारस के अंदर छात्रों से अपील करूँगा और अन्य लोगों से भी अपील करूँगा, इस माँ की रसोई के द्वारा स्वादिष्ट भोजन, सस्ता भोजन, गर्म भोजन भी पाइए और उसी के साथ साथ माँ बहन और बेटी के प्यार का सांस्कृतिक सुख भी पाइए, स्वयं भी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और अपनी बहन, बेटी और माँ को भी स्वावलंबन और रोजगार दीजिए। ऐसे सुंदर अभियान को आज मुझे प्रारंभ करने का सौभाग्य मिला। मैं काशी नगरी के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ से पहला एक प्रयोग जन्मा था, कोई ना सोए भूखे पेट, अनाज बैंक। फिर दूसरा प्रयोग जन्मा यहाँ से, जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा सहायता योजना। फिर तीसरा एक आया, जो तलाकशुदा पीड़ित महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष के लिए पेंशन योजना आज, और माता बहन बेटी को स्वरोजगार मिले, स्वावलंबन मिले और बच्चों को माँ की ममता भी मिले, स्वादिष्ट भोजन भी मिले, गर्म भोजन भी मिले, ऐसा सुखमय भोजन मिले, इस चौथे प्रोजेक्ट को मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि काशी के लिए प्रभु ने एक विचित्रता लिखी है। ये सारे प्रकल्प ऐसे हैं जो काशी को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नहीं, भारत को और विश्व को एक रास्ता दिखाते हैं, गरीब दुखी पीड़ित के लिए, ज़रूरतमंद के लिए इतना ममतामयी होना। यह है माँ पार्वती, माँ गंगा यानी महादेव ही जीवन में लाते हैं। इन जीवन के गुणों को इस प्रकल्प में से सब धारण करें। मैं संचालन करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रेस को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकल्प को भी वो चारों तरफ इसकी खुशबू को फैलाने का काम कर। कर्नाटक में आज सबसे प्रदर्शन है बहुमत सिद्ध करने के लिए बीजेपी, क्या लगता है कर पाएगी क्या? ऐसा है कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, इसलिए उस विश्वास का अंतिम इम्तिहान आ रहा है। इम्तिहान के क्या परिणाम होंगे आप देखेंगे और दुनिया को बताएंगे। पर इतना ज़रूर है, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 55-60 साल में, 47 से पहले और बाद में लगातार लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों का कांग्रेस पार्टी में ही हत्या करती रही। जब
कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चयन होना था 47 से पहले, तो पट्टा भी सीतारमैया गांधी से थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सारे कांग्रेसियों की तरफ से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, पट्टा भी सीतारमैया को 1357 के लगभग वोट मिले, परंतु लोकतंत्र का कांग्रेस ने, कांग्रेस के अंदर कोई विपक्ष से झगड़ा नहीं था, विपक्ष का मामला भी नहीं था, लोकतंत्र की हत्या की। इसी प्रकार से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के लिए जब प्रस्ताव आए तो राज्यों ने प्रस्ताव करने थे, 15 में से 12 राज्यों ने प्रस्ताव जो थे सरदार पटेल के लिए किए, एक भी राज्य ने पंडित नेहरू के लिए प्रस्ताव नहीं किया। गांधी जी के इशारे पर कांग्रेस की केंद्रीय समिति ने नेहरू का प्रस्ताव किया, केंद्रीय समिति ने अनिच्छा होते हुए भी सर झुकाकर मान लिया और सरदार पटेल ने उस प्रस्ताव को, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इससे लगता है कि पिछले 50 साल में जितनी डेमोक्रेटिक नॉर्मल और मॉरल वैल्यूज थी उसका लोकतांत्रिक रूप से, संवैधानिक रूप से लगातार हत्या होती रही है, परंतु आज जो कर्नाटक में राज्यपाल ने लोकतांत्रिक जीवन मूल्य के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी को और प्रथमता दी, उसका समय है। मुझे लगता है कि जो भी परिणाम आएगा, जो ईश्वर को मंजूर है और जो समय को मंजूर है, उसके अनुसार जो भी परिणाम आएगा वो परिणाम कुछ समय के बाद आने ही वाला है, इसलिए प्रतीक्षा भी करनी चाहिए और जब आ जाए तो उसको खुशी से स्वीकार भी किया जाना। गोवा मणिपुर में बड़ी पार्टी को न देना और कर्नाटक में एक बड़ी पार्टी को अवसर देना, क्या यहाँ न्याय संगत मानते हैं? ऐसा है कि क्या न्याय संगत है, क्या अन्याय संगत है, अगर इसमें चलेंगे तो प्रश्न आता है। शाहबानो प्रक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 8 करोड़ महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति मिलनी थी, तब कांग्रेस ने और लोकसभा की मेजोरिटी का उपयोग करते हुए 8 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को पर दमन का चक्र चलाया। इसलिए ये सारे प्रश्न खड़े हैं और नाना रूप में ये प्रश्न खड़े हैं। ऐसा है कि पूछेंगे तो ये लगेगा कि आखिरकार अगर लोकतांत्रिक जीवन मूल्य कांग्रेस ने ताकत के साथ प्रतिष्ठित किए होते और जब राम जन्मभूमि के मंदिर ढांचे के प्रश्न पर सरकारें बर्खास्त ना की, तो शायद देश के अंदर न्याय को भी और प्रशासन को भी एक अच्छा रास्ता मिल सकता था। जिसने खड्डे खोदे हैं, आज देश उन्हीं खड्डों में से रास्ते खोज खोज कर आगे बढ़ रहा है। इसलिए राज्यपालों के विवेक को जो आज़ादी दी गई है, उस विवेक के अनुसार उस समय के राज्यपालों ने वो किया, आज के राज्यपाल ने ये किया। कौन कहेगा ये ठीक है कि ये गलत है, ये गलत है कि वो ठीक है, परंतु इतना पक्का कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को बुरी तरह से कुचलने का काम, सतत इस काम को अंजाम इस देश पर जिसने 55 साल से अधिक राज किया, उस पार्टी ने प्रारंभ से लेकर आज तक किया है। इसलिए अगर वो कहेंगे लोकतांत्रिक जीवन मूल्य, तो मुझे लगता है कि वो दुहाई भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आज सामने आएगी प्रक्रिया। मैं बीजेपी को इस बात के लिए धन्यवाद जरूर दूंगा कि उसने स्वयं होकर 15 दिन को 2 दिन में बदला, तो एक हिम्मत दिखाई उन्होंने, नहीं तो दे हैव ए 15 डेज, पर उन्होंने स्वयं ही कहा कि हम जल्दी इसको कर लेंगे, क्या होगा जो होगा सामने आएगा। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र तो है ही नहीं इस देश में, पाकिस्तान ये बात काम कर रहा है। राहुल गांधी ने, राहुल ने ठीक कही, सन 1950 से लेकर आज तक इस लोकतंत्र की समय समय पर हत्या करते रहे। वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगर ये कहता है लोकतंत्र नहीं रहा, तो उसको अपने गिरेबान में ही झांकनी चाहिए। लोकतंत्र को आज की सरकार ने नष्ट नहीं किया, आज की सरकार ने तो लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने का काम किया। सन 1975 में इसी लोकतंत्र की एमरजेंसी लगाकर हत्या करने वाली कांग्रेस, देश में लोकतंत्र को ख़त्म करके तानाशाही लाने वाली कांग्रेस, उसके विरुद्ध लोकतंत्र को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए हजारों ने जेल में जाना और जुल्म सहना, उसके लिए बीजेपी, जनता पार्टी, जनसंघ। तो इसलिए लोकतंत्र का मर्डरर कौन है,
और लोकतंत्र का पालक कौन है। पर राहुल को एक आदत बन गई है, वो आता है और अपने ओल्ड फैशन 70 साल से चला है गालियाँ देना। ही इज एक्सपर्टिंग इन एब्यूजिंग, वो गालियाँ देने का एक एक्सपर्ट नेता है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इतना ही प्रार्थना करूँगा।